राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 3 दिनों से छात्राएं महिला वार्डन को चेंज करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आज इनका 3रा दिन है। फिलहाल सीधी तस्वीर हम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार ये छात्राएं महिला वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इनकी साफ यही मांग है कि जो महिला वार्डन है उसको चेंज किया जाए। पूरा मामला माई हॉस्टल से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 3 दिनों से लगातार ये छात्राएं यहाँ कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन कर रही है। मैम, पिछले 3 दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी प्रदर्शन जारी है, क्या कोई आश्वासन मिला? सर, आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। अभी सारे हॉस्टल्स के वार्डन और चीफ मैम आए हैं, वो बोल रहे हैं कि आप अंदर प्रशासन से बात करिए, पर हमारी डिमांड है कि मैम बाहर आएँ और हम बच्चे यहाँ बैठे हैं सब स्टूडेंट्स और हमसे यहाँ बात की जाए, बट वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप अंदर आ जाइए। रात को भी आपका लगातार प्रदर्शन जारी है, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता? समस्या तो सर बहुत है, ठंड भी बहुत है। जैसे हमारी साथी है, ये बीमार हो चुकी है, इसकी हेल्थ काफ़ी डाउन है। 2-4 लड़कियां जिनको हमने हॉस्टल में भेज दिया, उनकी भी समस्या है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। आश्वासन मिला? नहीं मिला है सर, अभी तक कुछ नहीं मिला है। देखिए, तमाम छात्राएं जो है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में महिला वार्डन को चेंज करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, पिछले 3 दिनों से इनका लगातार प्रदर्शन जारी है। मैम, 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, कोई आश्वासन मिला? आश्वासन तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से हमें समझाने के लिए कि वही वार्डन रहेगी, हमें अंदर बुलाया जा रहा है, ताकि 4-5 लड़कियों को बोल रहे हैं कि 4-5 लड़कियां आएं और हम उन पे दबाव बनाएं कि वो चेंज ना करवाएं। वो बाहर आके बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बाहर आके बात करें। बाहर आके बात करने में क्या दिक्कत है? बच्चे ही तो हैं, बच्चे ही अंदर जाएंगे, बच्चे ही बाहर हैं, तो बाहर आके बात करें। और कोई वो नहीं कह रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे, ये कह रहे हैं कि आप इन्हें रख लीजिए, समाधान नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, रात को भी आप लगातार यहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना? समस्या ये है, हम सर्दी में बैठे हैं यहाँ पे, लड़की बीमार हो गई, उसको रात की रात भिजाया, उसको चक्कर आने लग गए थे, एक लड़की सुबह उसको हॉस्पिटल भिजाया, अभी तो 4 से 5 हमने छोटे बच्चों को भेजा है कि आप थोड़ा रुक के आइए, रेस्ट करके आइए, यहाँ पे इतनी भयंकर सर्दी रहती है। हमने ये व्यवस्था खुद करी है जराजाई गद्दों के प्रशासन ने, तो ये भी नहीं पूछा है कि तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है। वो 3 दिन से देखने तक नहीं आ रहे और बोल रहे हम आपको पूछ रहे हैं। देखिए, तमाम छात्राएं राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रही है और इन छात्राओं का साफ यही कहना है कि जो महिला वार्डन है उसको चेंज किया जाए। सीधी तस्वीरें हम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 3 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय में माई हॉस्टल की छात्राएं वार्डन को चेंज करने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही है और लगातार इनका कुलपति सचिवालय पर पिछले 3 दिनों से धरना जारी है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।